हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शावरस किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेरा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट केएफसी स्टाइल में फ्राइड चिकन। जी हाँ, तो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जूसी और बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्राइड चिकन, वो भी केएफसी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्राइड चिकन बनाने के लिए सामग्री चाहिए। यहाँ पे चिकन लेग पीस लिए है 4, क्लीन करके लिए है, मैदा 1.5 कप, टोमेटो केचप, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, 3 अंडे, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, इंस्टेंट नूडल मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टेस्ट अनुसार नमक, ब्लैक पेपर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और फ्राइंग के लिए ऑयल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चिकन मैरिनेशन करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटो केचप, यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है, सोया सॉस 1 चम्मच, रेड चिली हम डालेंगे 1 चम्मच, हमें थोड़ी बाद में भी यूज़ करनी है। यहाँ पे ब्लैक पेपर 1 चम्मच, थोड़ी बाद में यूज़ करेंगे। मैगी नूडल्स मसाला, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चिकन के ड्रमस्टिक। हमने यहाँ पे चिकन को कट लगाया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम ड्रम स्टिक को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करके लेंगे ताकि मसाले अच्छे से ड्रम स्टिक के ऊपर कोट हो जाए। हम इसे अच्छे से मसाज करके लेंगे। ताकि तो सारे मसाले के फ्लेवर इसके अंदर जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चिकन को अच्छे से मसाज किया है और मसाले भी हमारे अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रम स्टिक लिए है, आप चाहे तो छोटे पीस भी ले सकते हैं, बट ड्रम स्टिक खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम केएफसी स्टाइल में बना रहे तो लेग पीस तो बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से कोट हो चुका है मसालों के अंदर। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 3 घंटे चिकन मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम चिकन का एक कोटिंग बनाते हैं। तो हम प्लेट में डालेंगे मैदा, मैदा हमने यहाँ पे 1.5 कप लिया है, साथ ही जाएंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ पे 1/4 लिया है, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे भी अब हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दूसरा कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में हमने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, इसे हमने फोड़ के लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर,
ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले अंदर तक चले जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दोनों कोटिंग रेडी है और साथ ही हमने तेल भी गरम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब हम केएफसी स्टाइल में फ्राइड चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम चिकन के पीस को पहले मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमें इसे कोट करना है। अच्छे से कोट करना है। हमें इसे प्रेस करना है इसे ताकि ये कोट हो जाए अच्छे से। अब हम इस पीस को अंडे के बैटर में डिप करेंगे। इस तरह से पूरा हम कोटिंग अंडे का इस पीस के ऊपर ऐसे डाल देंगे और फिर से मैदे के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे वापस से ऐसे कोट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर का झटका देंगे ऐसे, इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारा मैदा झटक चुका है। अब ये जाएगा सीधा तेल के अंदर। फ्रेंड्स, एक टाइम पे जितने पीसेस आप फ्राई कर सकते हैं उतने हमें कोट करना है। पहले से कोट करके ना रखें तो हम चिकन को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक गोल्डन फ्राई करके लेंगे अच्छे से। तो इसे हम फ्लिप करते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से लेयर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने तेल गर्म करते समय हाई रखा था गैस की फ्लेम और अभी हमने लो मीडियम रखी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी तरह से चिकन ब्राउन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। याद रहे कि किचन टॉवल से हमें इसे नहीं निकालना है। देखिए कितना बढ़िया लेयर आया है और क्रिस्पी भी हुआ है बहुत ज़्यादा। इसी तरह हम सारे पीसेस फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दूसरा वाला लेग पीस लेते हैं और वही प्रोसेस से कोट करते हैं और इसे हम डालते हैं अंडे के बैटर में और यहाँ पे इसे अच्छे से कोट करके लेंगे। और फिर से हम इसे मैदे के अंदर डाल देते हैं और अच्छे से कोट करके लेंगे। इसे हमें इस तरह से अच्छे से करना है। जितना हम इसे मैदे से अच्छे से कोट करेंगे उतने अच्छे से लेयर आएंगे। इसे अब हम झटकाते हैं एक्स्ट्रा मैदा। इसे हम डाल देते हैं सीधा तेल में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लेयर आए हैं। अब हम इसे फ्लिप करते हैं, ये देखें, और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेयर आई है, एकदम परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स इसी तरह से हम बाकी के दो लेग पीस भी बना लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा केप्स स्टाइल फ्राइड चिकन रेडी है खाने के लिए। हमने यहाँ पे केचप और मेयो के साथ में सर्व किया है, ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है, ये देखिए आवाज़। तो अब हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ओह यम्मी, फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाए, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से जूसी। ये आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से पकाए, देखिए। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनी है। तो फ्रेंड्स आप ये फ्राइड चिकन घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपकी कमेंट नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।